इंडियन प्रीमियर लीग 2008 में आया, क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का एक जबरदस्त मिक्सचर। विजय माल्या के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बोल्ड और जबरदस्त क्रिकेट का वादा किया। राहुल द्रविड़ और जैक स्कैलिस जैसे स्टार्स वाली इस टीम का टारगेट शुरू से ही जीतना था, लेकिन शुरुआती सीजन में उन्हें हार्श रियलिटी चेक मिला। कुछ अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद आरसीबी को कंसिस्टेंसी नहीं मिली, बॉलिंग अटैक अक्सर फेल हो जाता था और टीम की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रहती थी। 2009 के सीजन में द्रविड़ की लीडरशिप में वो फाइनल्स में पहुंचे, लेकिन डेक्कन चार्जर्स से हार गए। चैंपियनशिप जीतने का सपना अधूरा रह गया, जिससे फैंस और ज्यादा चाहते थे। 2011 का ऑक्शन आरसीबी के लिए गेम चेंजर था। क्रिस गेल, जो पहले एक छोटा सा नाम थे, रिप्लेसमेंट के तौर पे टीम में शामिल हुए। उसके बाद जो हुआ वो क्रिकेट की सुनामी थी। गेल ने पावर हिटिंग का ऐसा रूप दिखाया जो आईपीएल में पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने बॉलर्स की धुनाई कर दी, जिससे दर्शक दीवाने हो गए और अकेले दम पर आरसीबी की किस्मत बदल दी। गेल के धमाकेदार प्रदर्शन के साथ आरसीबी एक खतरनाक टीम बन गई। टीम ने बेमिसाल अंदाज और आक्रामकता के साथ खेला, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण था गेल का यूनिवर्स बॉस वाला अंदाज। 2011 के सीजन में गेल के रिकॉर्ड तोड़िए 608 रन की बदौलत वो प्लेऑफ में पहुंचे। आखिरकार आरसीबी को अपनी एक्सप्लोसिव पहचान मिल गई थी। 2013 में विराट कोहली ने आरसीबी की कमान संभाली, जिसने एक नए युग की शुरुआत की। अपने अटूट जुनून और समर्पण के लिए जाने जाने वाले कोहली ने नेतृत्व की भूमिका को अपना लिया। उन्होंने जीतने की मानसिकता को बढ़ावा दिया, खुद से और अपने साथियों से उत्कृष्टता की मांग की। उनके नेतृत्व में आरसीबी को लगातार सफलता मिली। कोहली की कप्तानी में आरसीबी 2013 से 2016 तक लगातार 4 सीजन में प्लेऑफ में पहुंची। कोहली खुद आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए टीम लगातार सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीमों में शामिल रही। उनकी खुद की बल्लेबाजी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ी और दूसरों के लिए मानक स्थापित किए। कप्तान कोहली, बल्लेबाज कोहली जितने ही प्रभावशाली थे। सेक्शन 4, चिन्ना स्वामी, जहां जोश मैदान को आग लगा देता है। बेंगलोर का एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम सिर्फ एक मैदान नहीं है, बल्कि ये भावनाओं का एक अखाड़ा है। ये स्टेडियम अपने जबरदस्त माहौल के लिए जाना जाता है, जो आरसीबी के फैंस के अटूट जुनून से भरपूर होता है। स्टैंड्स में आरसीबी आरसीबी के नारे गूंजते हैं, जो विपक्षी टीम के लिए एक भयावह आवाज बन जाते हैं। फैंस लाल और सोने के रंग में रंगे होते हैं। टीम के उतार चढ़ाव भरे प्रदर्शन के बावजूद उनकी वफादारी अटूट रहती है। वे हर बाउंड्री का जश्न बेमिसाल उत्साह के साथ मनाते हैं और अपने हीरोज का साथ हर परिस्थिति में देते हैं। खिलाड़ी अक्सर चिन्ना स्वामी की भीड़ से मिलने वाली ऊर्जा के बारे में बात करते हैं और टीम को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका को स्वीकार करते हैं। सेक्शन 5, ए लेगेसी येट टू बी रिटन, आरसीबी'स क्वेस्ट फॉर ग्लोरी। अपनी स्टार स्टडेड लाइनअप और पैशनी फैन बेस के बावजूद आरसीबी अभी तक आईपीएल की प्रतिष्ठित ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। टीम कई मौकों पर करीब पहुंची है, 2009, 2011 और 2016 में रनर अप रही है। हर हार ने फैंस को निराश किया है, जो असली जीत के लिए तरस रहे हैं। मायावी खिताब की तलाश जारी है। आरसीबी हर सीजन में नए जोश के साथ उतरती है। नए खिलाड़ियों और रणनीतियों के साथ टीम का विकास जारी है। कोहली के नेतृत्व में टीम का मुख्य भाग अभी भी वही है, जो अपने एक्सपीरियंस और जुनून के साथ टीम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आरसीबी का सफर T20 क्रिकेट की अप्रत्याशित प्रकृति का प्रमाण है। यह एक याद दिलाता है कि सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ भी सफलता की गारंटी नहीं होती है। हालांकि एक बात तय है, आरसीबी अपने पैशनी फैंस के अटूट समर्थन से प्रेरित होकर LDD आना, मनोरंजन करना और खेल की भावना को जीवित रखना जारी रखेगी। एक दिन आईपीएल की ट्रॉफी को उठाने का सपना अभी भी जिंदा है, एक ऐसा सपना जो टीम और उसके समर्थकों को आगे बढ़ाता है।